उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ पर्व ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार की सुबह सकुशल संपन्न हो गया। छठ पूजा के दूसरे दिन सप्तमी को उगते सूरज को अर्घ देने के लिए घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। सुबह सूर्य को उदय होते ही घाटों पर छठ माता के जय घोष होने लगे। व्रतियों ने सूर्य को अर्घ देकर मंगल कामना की। इस दौरान कई घाटों पर लोगों ने आतिशबाजी करके भी अपनी खुशी का इजहार किया। कई श्रद्धालु नाच गाकर खुशी मनाते नजर आए। नदी और तालाबों में महिलाएं सुबह 4 बजे से ही पानी में खड़ी होकर सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी आंखें पूरब दिशा में आकाश की ओर टिकी थी। सूर्योदय होते ही व्रती महिलाओं ने उन्हें दूध और जल का अर्घ देकर प्रसाद अर्पित किया। भगवान भास्कर की आरती उतारी। इस दौरान सीरन पैदा कर रही ठंडी हवाओं के बावजूद श्रद्धालुओं पर आस्था हावी थी। सूर्योदय होते ही माहौल में हर तरफ माता के जयकारे की जय घोष होने लगा। राप्ती नदी के मलाव चंदा घाट, बढ़लगंज और गोला स्थित सरयू नदी, कसिहार स्थित कुंड, हरदिया सहित विभिन्न गांवों के में अस्थायी पोखरे बनाए गए थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, महापर्व है छठ का, जो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है और इसकी संख्या लोगों की बढ़ती जा रही है। इसमें गोरखपुर जनपद के दक्षिणी क्षेत्र में थाना बेलीपार के मलाओं और आगे जो बढ़लगंज में सरयू नदी है वहाँ, गोला में और सभी थानों के अंतर्गत लगभग कई स्थानों पे ये संपन्न किया गया है और सब कुशल संपन्न हुआ है। कहीं कोई और घटना नहीं हुई है, इसलिए काफ़ी फोर्स लगाई गई थी जिससे कि यह सकुशल संपन्न हो सके।